INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा प्रमुख नफे सिंह राठी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने वाले शूटर्स को पकड़ लिया गया है। जी हां, इन लोगों ने दिन दहाड़े हरियाणा के बहादुरगढ़ में ऐसा कांड किया था कि जिसने भी इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस देखे वो दहल गया। कहा जाता है कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दो गैंग्स की जानी दुश्मनी का शिकार बन गए नफे सिंह राठी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के बहादुरगढ़ में, जो दिल्ली के करीब है, यहां हुई कत्ल की वारदात के बाद से पुलिस और एजेंसियां चप्पा चप्पा छान रही थी। सीसीटीवी में नजर आ रहे चेहरों की बहुत बारीकी से पड़ताल करने के बाद इनकी पहचान भी हो गई थी। इसके बाद इन शार्प शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया था। अब बड़ी खबर आई है कि पुलिस की मेहनत रंग लाई है और खबर है कि झज्जर पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में टूरिस्ट प्लेस गोवा से दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दो अन्य शूटर्स की तलाश जारी है। झज्जर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर यह हदफ हासिल किया है। ANI के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक पुलिस ने गोवा से सौरभ और आशीष, इन दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सौरभ और आशीष। झज्जर पुलिस का कहना है कि दीगर दो शूटर्स की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी हत्याकांड के आरोपियों की पहचान आशीष नकुल सांगवान और अतुल के तौर पर की गई थी। बाद में पुलिस ने चौथे आरोपी की भी पहचान सौरभ के रूप में कर ली थी, यानी आशीष और सौरभ अब गोवा से पकड़े जा चुके हैं। गोवा से पकड़े गए बदमाश क्या इंकशाफ करते हैं, इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि INLD के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी के मर्डर की वजह धीरे धीरे सामने आने लगी है। नफे सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान ने लंदन में बैठकर पिछले दिनों कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट की थी। उसमें नफे सिंह पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया था। उस सोशल मीडिया पोस्ट में कपिल सांगवान के हवाले से दावा किया गया कि उसी ने नफे सिंह को मरवाया है। हालांकि उस कथित पोस्ट पर पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर शेयर की गई उस पोस्ट में कपिल सांगवान की तरफ से कहा गया था कि इनेलो हरियाणा अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह की गैंगस्टर मंजीत महल से गहरी दोस्ती थी। गैंगस्टर कपिल सांगवान की कथित पोस्ट के मुताबिक नफे सिंह मंजीत महल के भाई संजय के साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। कथित पोस्ट में कपिल सांगवान ने लिखा है कि जो उसके दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा और 50 गोलियां हमेशा उसका इंतजार करेंगी। मगर इस तरह की कोई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम पर नहीं मिली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर यह पोस्ट लगातार चर्चा का सबब बनी रही। इस वायरल पोस्ट के बारे में फिलहाल कोई भी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में इस वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों का पकड़ा जाना पुलिस के लिए न सिर्फ एक बड़ी राहत है, बल्कि अब ये भी साफ हो पाएगा कि क्या राठी की हत्या में वाकई कपिल सांगवान का हाथ है, जो ब्रिटेन से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि राठी के परिवार ने आरोप लगाए थे कि कई बार राज्य सरकार से पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन जान का खतरा होने के बावजूद भी उनकी बात को नहीं सुना गया। 25 फरवरी को बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास राठी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उस दौरान वो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। घटना में एक और शख्स की मौत हो गई। उम्मीद है कि दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के राज अब परत दर परत
खुल पाएंगे।